हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टेक ज्ञान में स्वागत है। गाइस, मैं हूँ अमित कुमार और आज मैं फिर से एक लेके आया हूँ नए FLP प्रोजेक्ट, जो लेटेस्ट भोजपुरी सॉन्ग है। लेटेस्ट भोजपुरी सॉन्ग जो नीरव, जिसमें दिनेश लाल यादव, जो बोले दिनेश लाल यादव नीरवा का है, ठीक है। तो गाइस, उसी का FLP प्रोजेक्ट है, जो दो दिन पहले सॉन्ग आज से बोले तो वही 29 या 30 को रिलीज हुआ था, ठीक है, उसी का FLP है। और देखते हैं कैसा बना है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो डाउनलोड कीजिएगा। मैं तो बोलूँगा वीडियो को पूरा अंत तक पहले देखिएगा, क्यों डाउनलोड कर लीजिएगा तो फिर तो डाउनलोड अगर डाउनलोड तो कर लीजिएगा, लेकिन डाउनलोड करने के बाद फाइल स्ट्रेट करना पड़ता है, शायद आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो फिर करेंगे कैसे वो स्ट्रेट, ठीक है। तो गाइस, पहले मैं आप लोग को बीट सुना देता हूँ, ठीक है, बड़ी बड़ी सी बीट में सुना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर पैटर्न सुनाऊँगा, बोले तो सॉन्ग सुनाऊँगा, ठीक है। गाइस, इसमें से कितना बीट मतलब लगा नहीं है कहीं कहीं पे, जस्ट लाइक ये हो सकता है, ये नहीं लगा होगा, ठीक है। देख लीजिए अपना जो लगा होगा सब अपना यूज कीजिएगा, नहीं तो डिलीट करना डिलीट कर लीजिए, ठीक है। पहले मैं इतना पार्ट पहले मैं सुनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं पॉज कर। कैसे दे सकते हैं इसमें थोड़ा सा ये जो है, ये क्या बोलते हैं, टी फोर्स ट्रेंस गेट, जो रोबोटिक थोड़ा रोबोटिक स्टाइल में निकालता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं ये फ्रूटी मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज़ किया है, ठीक है, इसको तैयार करने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव देखने के लिए, थोड़ा सा मतलब रेडियो साउंड में आने के लिए, ठीक है। अगर आप भी जानता चाहते हैं कि रोबोटिक कैसे तैयार होगा, वेट कहीं कहीं पर रोबोटिक थोड़ा सा अमेजिंग टाइप का लगता है, ठीक है। हो सकता है वीडियो बड़ा होगा, वीडियो को पूरा अंत तक के देखिएगा, ठीक है। तो रोबोटिक स्टाइल में था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी कटा हुआ है, पैरामेट्रिक इक्वा 2 2 बार यूज होगा, पैरामेट्रिक इक्वा 1 बार, फिर कंप्रेसर है, ठीक है। उसके बाद वेब सेफर है, देख सकते हैं वेब सेफर के बाद ये दोनों मतलब रेडियो थोड़ा सा रेडियो स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। Thank you.
पुरुषम। तो गाइस यही था एफएलपी, थोड़ा सा अट्रैक्ट। अगर आप इसमें और बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मतलब वोकल ज़्यादा लग रहा होगा तो आप यहाँ से इसका जो वॉल्यूम है उसको कम कर सकते हैं, अगर कम लग रहा होगा तो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर और भी अच्छी तरह से मतलब बोले तो इसको बनाना चाहते होंगे, जैसे बेस लाइन, और इसमें मैंने सिर्फ 3 यूज किया था, ठीक है, टोटली मीटर यूज किया ही नहीं, एक प्रोटी चॉपर, ठीक है, सॉफ्ट चॉइस प्रोटी सॉफ्ट क्लिपर इक्वा और मैक्सिमस, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो है, ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा कंपैक्ट करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक के साथ 1 2 3 4 मतलब लगा हुआ है, ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को सॉन्ग के साथ लेके चलता हूँ, ठीक है, उसके बाद मालूम चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे डीले भी लगा हुआ है, ठीक है, डीले फ्रूटी डीले जानते होंगे, उसमें लगा हुआ है, ठीक है। फ्रूटी डीले के साथ मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम लगभग बोले तो 30-35% के आसपास में रखे हुए, ठीक है। उसका दे एफएक्स है, एफएक्स भी लगभग कितना होगा, 25 या 30 के आसपास में, ठीक है। सैपर भी देख सकते हैं मैं लगभग उतना ही है। फिर उसके बाद रिवर्ब है, रिवर्ब भी लगभग उतना ही, रिवर्ब लगभग लग रहा है कि 50% अक्रॉस, ठीक है, उसी के आसपास, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा वोकल को रिफ्रेश मतलब वोकल निकालने के लिए इक्वा टू दोबारा यूज किया, इक्वा कंप्रेसर डैप, थोड़ा सा रिवर्ब डिले मतलब लगाने। इसमें थोड़ा सा होता है क्या कि मेरे को यहाँ से इसको भी लगाना है तो फिर यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, ठीक है, इसको कम करना है ज़्यादा करना है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यही था आज का एफएलपी, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है डाउनलोड करने में, या हाँ गाइस आप लोग को थोड़ा सा परेशानी होगी, थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप जब विजिट करेंगे इस लिंक के साथ तो थोड़ा सा आपको मतलब पहले तो गेट लिंक के लिए बोलेगा, गेट लिंक से पहले आपको रिवॉर्ड IM रिवॉर्ड करके साइन कुछ करके आता है, उस पर मतलब टिक लगा के मतलब उसको जो भी है फिलअप करना होता है, उसके बाद आपको गेटिंग लिंक का ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे 10 सेकेंड वेट करना होगा, ठीक है। तो गाइस अगर कोई प्रॉब्लम होता है FLP के, ठीक है, इस FLP के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूँगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आप समझ चुके होंगे, आपको ये FLP अच्छा लगा होगा तो आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।